एक और नया दिन और एक और नई गाड़ी। टुडे वी हैव द ऑल न्यू मारुति ग्रैंड विटारा। अब ये गाड़ी देखो काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में आ जाती है, और इसके सेगमेंट की जो बाकी गाड़ियाँ आती है जैसे क्रेटा सेल्टोस की एक प्रॉपर राइवल कार आ रही है, तो उनसे अगर आप कंपेयर करो तो इसकी गाड़ी की जो लेंथ है ना आपको काफ़ी ज़्यादा नज़र आएगी। तो इतनी बड़ी लेंथ है तो ऑब्वियसली गाड़ी में आपको स्पेस है वो भी उनसे थोड़ा सा बेटर इसमें मिल जाता है। आपको 210 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है इस गाड़ी में, जो कि उनसे मतलब यहाँ भी ये गाड़ी एडवांटेज देती है, वहाँ पे आपको मिलता है 190 mm एंड यहाँ पे 210 mm का मिल जाता है। डेल्टा वेरिएंट है, सेकंड बेस वेरिएंट आता है जिसमें आपको 17 इंचेस के स्टील भी मिलते हैं व्हील कवर के साथ, और यही सेम कॉन्फिग्रेशन आपको मिलती है स्पेयर व्हील में। 45 लीटर की आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में हमारे पास गाड़ी है जो 20 kmpl का माइलेज ऑफर कर देती है, मैनुअल ट्रांसमिशन में 21 का देती है, CNG में आपको दे देती है 26 का, और अगर लेते हो अगर प्रॉपर एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड तो वहाँ पे गाड़ी आपको सबसे ज़्यादा माइलेज देती है 27 kmpl, 27 kmpl का माइलेज दे देती है। लेकिन अपने ये रेगुलर वेरियंट्स के अंदर भी हमें जो स्मार्ट हाइब्रिड की टेक्नोलॉजी है वो ऑफर करती है, अब जिसकी वजह से होता क्या है कि हमें यहाँ भी ये गाड़ी बढ़िया माइलेज दे देती है, क्योंकि ये जो को पैसेंजर है इसकी सीट के नीचे हमें एक बैटरी पैक मिलती है, एंड आगे की तरफ हमें एक जो स्टार्टर मोटर है वो मिलती है जिससे गाड़ी आपके स्टार्ट होने में काफ़ी हेल्प करती है। तो फर्स्ट टाइम में जो गाड़ी इनिशियल में जो फ्यूल बर्न करता है इंजन वो यहाँ पे नहीं होता। काफ़ी ब्रॉड एंड मस्कुलर फेस के साथ ये गाड़ी आती है, जहाँ पे आप देखोगे यहाँ हमें मिलती है इसकी LED DRLs जो कि बाई फंक्शनल है, जो आपका टर्न इंडिकेटर है वो भी इसी के अंदर आपको इंटीग्रेटेड मिल जाता है। एक जो सिग्नेचर स्टाइल में बड़ी सी ह्यूज साइज़ की आपको क्रोम ग्रिल है वो ऑफर की जाती है, एंड जो वेव डिज़ाइन पैटर्न है वो मिलती है जो कि ग्लोस पियानो ब्लैक फिनिश में है। हैलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाता है, एंड गाड़ी में आपको रियर पार्किंग कैमरा मिलता है, 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर भी दिए जाते हैं। एक स्मार्ट से लुक, पावर और माइलेज का बढ़िया कॉम्बिनेशन हमें इस गाड़ी में देखने को मिलता है, एंड ये हमारे पास जो डार्क ग्रे कलर है वो है इस गाड़ी का। एंड एक बार जो इंजन है वो मैं आपको चेकआउट कराता हूँ। यह है इस गाड़ी का इंजन बे, जहाँ पे हमें एक 4 सिलेंडर नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है। अब ये इंजन पावर प्रोड्यूस करता है 101 bhp और 136 nm का टॉर्क जनरेट कर देता है। एंड रही बात सेफ्टी की, तो सेफ्टी के मामले में आपको जो ABS प्लस EBD एंड हिल असिस्ट जैसे सारे इलेक्ट्रॉनिक फीचर इस गाड़ी में देखने को मिल जाते हैं। साथ में आपको जो इंजन इंसुलेशन गार्ड है वो भी मिलता है। और बाय द वे मुझे वैसे कहने की ज़रूरत नहीं है, मारुति के जो इंजन है सेगमेंट में अगर आप कंपेयर करो ना तो इनके इंजन में जितनी स्मूथनेस मिलती है वो बाकी किसी भी ब्रांड में नहीं मिलती। ORM आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल मिलता है, एंड फ्रंट के दोनों डोर पे आपको जो रिक्वेस्ट सेंसर है वो अवेलेबल हो जाता है। फ्रंट के डोर पे आपको यहाँ पे सॉफ्ट टच नज़र आता है, तो फैब्रिक का यूज़ मिल जाता है, एंड यहाँ पे बाकी आपको हार्ड प्लास्टिक मिलेगा, एंड ड्यूअल टोन कॉम्बिनेशन के साथ ये गाड़ी आती है। गाड़ी में आपको 4 स्पीकर मिल जाते हैं, 2 आपको एयरबैग मिल जाते हैं, एंड फैब्रिक की सीट अपोस्ट्री ऑफर की जाती है गाड़ी में। तो देखो फैब्रिक की जो सीट्स है उनका भी एक अपना फ़ायदा, जैसे अभी के टाइम पे इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो ऐसे में ये वाली जो सीट है वो जल्दी से हीट नहीं होती, वहीं आपकी जो लेदर सीट्स है वो काफ़ी जल्दी गर्म हो जाती है। मैनुअल आपको सीट के एडजस्टेबल कंट्रोल मिलते हैं, तो रिक्लाइन एंड जो हाइट एडजस्टेबल के दोनों ऑप्शन है वो अवेलेबल हो जाते हैं। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है, प्लस इसके साथ देखोगे एक जो आइडल स्टार्ट स्टॉप वाला बटन है वो भी ऑफर किया जाता है। दोस्त ये है इस गाड़ी का कॉकपिट, आप देखोगे यहाँ पे हमें ट्रिपल टोन फिनिश मिलती है, ब्लैक सिल्वर एंड जो मैरून कलर है उसका कॉम्बिनेशन नज़र आता है। इतना बढ़िया आपको टच स्क्रीन के साथ इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जिसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले की वायरलेस कनेक्टिविटी मिलती है, एंड जो गाड़ी में आपको 4 स्पीकर दिए हैं इनका जो म्यूज़िक कंट्रोल है वो आपके हाथ में पूरा, मतलब आप जो उसका बेस ट्रिबल मतलब जो भी इक्वलाइजर है वो अपनी मर्जी के अनुसार कस्टमाइज़ कर सकते हो। नीचे की तरफ आपको यहाँ पे जो ट्रैक्शन कंट्रोल, आइडल स्टार्ट स्टॉप एंड 12 वोल्ट का सॉकेट और एक USB पोर्ट मिल जाता है, एंड ECVT ट्रांसमिशन के साथ ये गाड़ी आती है, चाहो तो मैनुअल का ऑप्शन भी हमारे पास अवेलेबल हो जाता है। अब एक चीज़ बताता हूँ, जैसे कि ये गाड़ी है हमारे पास ऑटोमेटिक ECVT ट्रांसमिशन में, पर अगर आपको चाहिए CNG तो उसके लिए आपको 90 से 95 हज़ार एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा एक शोरूम, देन आपको CNG गाड़ी मिल जाएगी। इस गाड़ी में हमें 3-स्पोक मल्टी फंक्शन स्टेयरिंग व्हील मिलता है। अगर बात करें इसकी टेलीमेटिक्स की तो टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक तो दोनों फंक्शन मिलते हैं, एंड क्योंकि ECVT ट्रांसमिशन हमारे पास है तो यहाँ पे हमें जो पैडल शिफ्टर्स है वो भी इस गाड़ी में मिल जाते हैं, तो मतलब ऑटोमेटिक के साथ जो मैनुअल वाले मज़े हैं वो भी इस गाड़ी में आप ले सकते हो। इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए सारे आपको कंट्रोल मिल जाते हैं, टेलीफोनिक कंट्रोल एंड राइट हैंड साइड में क्रूज़ कंट्रोल आपको मिल जाते हैं। एंड ये है इस गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एनालॉग के साथ मिलता है, यहाँ पे डिजिटल आपको MID शो करती है।
अपने बेस वेरिएंट से ही ये गाड़ी हमें ऑटोमेटिक जो एसी है वो प्रोवाइड कर देती है। यहाँ पे हमें इसका जो मैनुअल डे नाइट आईआरवीएम है वो मिलता है, हलोजन रीडिंग लैंप दिए जाते हैं, एंड यहाँ पे दोनों ही ड्राइवर एंड को ड्राइवर के लिए हमें जो वैनिटी मिरर है वो भी मिल जाता है इस गाड़ी में। सेंटर में आप देखोगे दो ग्लास होल्डर है, यहाँ पे गाड़ी की की रखने के लिए जगह है, मैनुअल हैंड ब्रेक और एक स्लाइडेबल आर्मरेस्ट मिल जाता है जिसमें हमें एक डिसेंट इनफ स्टोरेज मिलता है, एंड दिस इज द ग्लव बॉक्स। तो यहाँ पे जो डिसेंट इनफ स्टोरेज है वो गाड़ी ऑफर कर देती है। अब चलते हैं गाड़ी की रियर सीट्स पे, देखते हैं वहाँ कितना स्पेस है। तो गाड़ी की जो फ्रंट की सीट है वो मैंने मेरी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दी, यहाँ से मैं गाड़ी अच्छे से ड्राइव कर सकता हूँ। एंड मेरी हाइट है 5.11 फीट, तो आप देखते हैं कि उसके अकॉर्डिंग हमें रियर में कितना स्पेस मिलता है। तो जो रियर डोर है वहाँ भी हमें फैब्रिक मिल जाता है, सॉफ्ट टच नज़र आता है, एंड बाकी सेम कॉन्फ़िगरेशन है जैसे हमें फ्रंट डोर पे नज़र आती है। अब रियर से कुछ इस तरह का जो इंटीरियर है वो गाड़ी का आपको नज़र आने वाला है, एंड वैसे हायर वेरियंट्स की तरफ जाते हो तो गाड़ी में पैनोरमिक सनरूफ भी अवेलेबल हो जाती है। स्पेस के मामले में गाड़ी काफ़ी बढ़िया, जैसे मैंने बताया ना गाड़ी की लेंथ काफ़ी ज़्यादा हमें मिलती है, जिसकी वजह से सबसे बड़ा फ़ायदा इस गाड़ी का ये है डिक्की में भी काफ़ी जगह मिल जाती है, और यहाँ पे जो सेकंड रो है वहाँ पे काफ़ी अच्छा स्पेस मिलता है, लेग रूम, नी रूम, एंड इवन जो हेड रूम है वो भी यहाँ पे काफ़ी बढ़िया। रियर में आपको एसी मिल जाती है, एंड ब्लोअर की स्पीड आप एडजस्ट कर सकते हो, एक टाइप ए पोर्ट और एक टाइप सी पोर्ट मिल जाता है, प्लस थोड़ी सी जगह मिलती है और छोटा सा हम्प यहाँ पे सेंटर में नज़र आता है। बाकी सेंटर में आपको एक जो आर्मरेस्ट है वो यहाँ रियर में भी मिलता है और फ्रंट में भी नज़र आ जाता है, तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है, जो पीछे बैठते हैं वो इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा मिस करते हैं। दो ग्लास होल्डर मिल जाते हैं, 3 पॉइंट सीट बेल्ट के साथ ये गाड़ी आती है। ये है मारुति ग्रैंड विटारा की रियर प्रोफाइल, जहाँ पे हमें कनेक्टेड एलईडी स्मार्ट टेल लैंप है वो इसमें ऑफर किए जाते हैं। यहाँ पे हमें जो फॉग लैंप, टर्न इंडिकेटर एंड रिफ्लेक्टर की यूनिट है वो दी गई है, 4 रिवर पार्किंग सेंसर, 1 रिवर्स पार्किंग कैमरे के साथ ये गाड़ी मिलती है। यहाँ पे हमें जो वाइपर है वो नहीं मिलता, अगर थोड़ा सा हायर वेरियंट पर जाते हैं तो वाइपर भी अवेलेबल हो जाता है। रियर डिफोगर, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप एंड शार्क फिन एंटीना मिल जाता है। रही बात अगर बूट स्पेस की, कि बूट स्पेस इस गाड़ी में कितना आता है, तो 373 लीटर्स का काफ़ी बड़ा बूट स्पेस मिल जाता है, काफ़ी मैसिव साइज़ का जो बूट स्टोरेज है वो यहाँ पे अवेलेबल किया गया है। साथ में ये जो रियर की सीट्स है सभी, मतलब जितने भी हेडरेस्ट है गाड़ी में एडजस्टेबल मिलते हैं, ये वाली जो सीट है वो 60-40 स्प्लिट्स के साथ आती है। एंड जैसे मैंने बताया कि जो स्पेयर व्हील है वो भी आपको सेम ही साइज़ का मिलता है, तो इस गाड़ी में कहीं भी आपको जो कॉस्ट कटिंग है वो नज़र नहीं आएगी। स्पेयर व्हील और ये सभी जो स्टील रिंग है आपको 17 इंचेस की इस गाड़ी में दिए गए हैं। अब ये तो चलो बात हो गई एक नॉर्मल पेट्रोल वेरिएंट की, पर अगर आप लेते हो सीएनजी या फिर हाइब्रिड की तरफ अगर आप जाते हो तो वहाँ पे जो बूट स्टोरेज है थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन हमें फिर भी काफ़ी बढ़िया बूट स्पेस इस गाड़ी में मिलता है। रीज़न जो आपका स्पेयर व्हील है वो नीचे की तरफ प्लेस कर दिया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो स्पेस है वो फिर भी हमें काफ़ी बढ़िया अवेलेबल होता है। सो गाइज, ये थी मारुति की ग्रैंड विटारा, जिसका डेल्टा ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जो ई सी वी टी ट्रांसमिशन आता है वो वाला वेरिएंट मैंने आपको दिखाया। एक शोरूम प्राइस है 13,60,000, ऑन रोड आ जाते अराउंड आपको 15.5 लाख की राजस्थान सीकर में ये गाड़ी देखने को मिल जाती है। बात करें अगर गाड़ी पे क्या क्या ऑफर अभी टाइम पे अवेलेबल है, तो फिलहाल जैसे अभी जो मंथ है वो कंप्लीट हो चुका है, तो जो ऑफर है वो अब वापस से नए अपडेट होने वाले हैं। जो पहले के ऑफर थे वो इसी मंथ के साथ ख़त्म हो गए, अब जो नए ऑफर है वो कुछ दिन में आपको इस गाड़ी पे नज़र आ जाएंगे। तो अब अगर आपको ऑफ़र वगैरह जानना है तो स्क्रीन पर एंड डिस्क्रिप्शन में आपको शोरूम के सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पे आप इजीली कॉन्टैक्ट करके गाड़ी की सारी, मतलब इसी गाड़ी की नहीं जितनी भी नेक्सा की गाड़ियाँ हैं सबकी आप इन्फॉर्मेशन यहाँ से ले सकते हो। एंड देखो, मुझे इसका ग्रे कलर काफ़ी अच्छा लगा, अगर वाइट कलर को देखिए तो अभी के टाइम पर काफ़ी ऑर्डिनरी कलर लगता है, पर ये जो थोड़ा डिफरेंट है, मतलब वाइट मुझे लगता है काफ़ी रेगुलर हो चुका है, तो ये एक जो नया कलर है उसकी तरफ आपको जाना चाहिए। सो गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर इसे लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। शोरूम के सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, एंड वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।